नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। शहडोल जिला अंतर्गत थाना जयसिंह नगर परिसर में आने जाने वाले आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना प्रभारी एसपी चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर नगर में शांति व्यवस्था को लेकर विस्तृत परिचर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रगति वर्मा के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों व नगर वासियों के द्वारा कई अन्य तरह के सुझाव भी उपस्थित जनों के सामने रखे गए, जिसमें मुख्य रूप से आगामी त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों की साफ सफाई के साथ साथ प्रकाश की व्यवस्था, मुख्य रूप से कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा व्यवस्था के विषय को मुख्य रूप से रखा गया। इसके साथ ही कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समितियों को आवेदन के माध्यम से कार्यक्रम की अनुमति भी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कार्यक्रम स्थल से सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही नगर वासियों के द्वारा बस स्टैंड में यातायात को लेकर हो रही अव्यवस्था के संदर्भ में नगर परिषद के सीएमओ व अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा गया है, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि मौसम के साफ होने के बाद इस काम को पूर्ण करवाया जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक लगभग 4 दिन पहले तो मौसम पूरी तरह साफ था, तब तक नगर परिषद के सीएमओ अपनी नींद में मस्त थे, लेकिन अब आने वाले समय में क्या यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित हो पाएगी। आज थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रगति वर्मा, तहसीलदार सुषमा धुर्वे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत अशोक मरावी, थाना प्रभारी जयसिंह नगर एसपी चतुर्वेदी, सीएमओ नगर परिषद जयसिंह नगर निशान ठाकुर, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रावेंद्र शर्मा, आदेश शुक्ला, समाज सेवी चंद्रमा तिवारी, ओम प्रकाश शुक्ला, वेद प्रकाश द्विवेदी, पत्रकार अनुपम द्विवेदी, राकेश गुप्ता, सितेंद्र पायासी, सुनील द्विवेदी, राजेंद्र शर्मा, रवि प्रकाश शुक्ला व अन्य जन उपस्थित रहे। शहडोल से सुनील द्विवेदी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें सीआईडी न्यूज के साथ।